एंटर सब मिलेगा zoomtv.in सैफ ने अपना डेब्यू किया इन 1992 विद द यशराज फिल्म परंपरा पर अगले एक दशक तक इंडस्ट्री और ऑडियंसेस ने देखा सैफ को स्ट्रगलिंग एज एन एक्टर व्हेन इट केम टू वर्किंग इन फिल्म्स आई वाज नॉट इक्विप्ड एट ऑल बिकॉज़ ए आई वाज एंग्लिसाइज्ड एंड बी आई डिडंट कम फ्रॉम अ वर्ल्ड व्हिच वाज गियर्ड टुवर्ड्स वर्किंग इन फिल्म्स इम्तिहान मैं खिलाड़ी तू अनारी और हम साथ साथ हैं के साथ सैफ बन गए थे द मल्टी स्टारर स्पेशलिस्ट पर मेजर सक्सेस स्टिल इल्यूडेड हिम टिल आयरोनिकली अनदर मल्टी स्टारर कॉल्ड दिल चाहता है उनका ये सेकंड इनिंग्स है उनके स्टार दम का अगला फैक्टर फरहान अख्तर की ये डेब्यू फिल्म थी द स्टोरी ऑफ थ्री फ्रेंड्स सैफ थे इस फिल्म के कॉमिक रिलीफ और इसी रोल के लिए उन्हें मिला द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट कॉमेडियन इफ आई हैड टू थैंक समबडी फॉर इट इट वुड बी द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट वी डू द डायरेक्टर्स दैट हैव गिवन अस द रोल्स सिर्फ मुझसे ही प्यार हो जो ये कहने को भी तैयार हो फिर आई एक और मल्टी स्टारर कल हो ना हो शाहरुख और प्रीति जिंटा जैसे परफॉर्मेंस के साथ भी सैफ का किरदार हुआ नोटिस एंड ही वन द फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड फॉर दिस मूवी बट It was with Hum Tum that Saif Ali Khan finally established himself as a super successful solo box office star. एक ऐसा स्टार जो है बैंकेबल वो स्टार जो एक फिल्म को अकेले ही अपने ब्रॉड शोल्डर्स पे कैरी कर सकता है I hope so, I don't know. Today his biggies include films like Salaam Namaste, Love Aaj Kal, Race and Parineeta. इसीलिए तो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए लेट ब्लूमर ही सही सैफ मेड इट एंड मेड इट ह्यूज और उनका यही पहलू है उनका स्टारडम नंबर 4 ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहां